सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इनफिनिटी 11 प्रो के न्यू अपडेट आ चुका है। हाँ दोस्तों, ऑफिशियली आप समझ सकते हो लगभग लगभग कन्फर्म हो चुका है कौन से डेट पे एक ग्लोबली और इंडियन मार्केट में आने वाले क्या कुछ फीचर मिलेगा और लुक कैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इनफिनिटी 11 प्रो के सभी डिटेल्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहना। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फीचर में और भी देखने के लिए। तो दोस्तों, इनफिनिक्स ने हाल ही में एक मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया है जिसकी बैक पैनल के कलर ऑटोमेटिक चेंज हो सकते हैं, जहाँ पे डिवाइस की बैक पैनल के कलर मल्टीपल कलर पे चेंज हो सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हो। इनफिनिक्स ने इस टेक्नोलॉजी को नाम दिया ई कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप जब भी आपके डिवाइस को चार्जिंग पे लगाओगे तो आपकी बैक पैनल के कलर मल्टीपल कलर पे चेंज ऑटोमेटिक होगा, जो काफी यूनिक चीज होने वाला है। मुझे लगता है मोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम होने वाला है और इनफिनिक्स वो पहली ब्रांड है जो इसे करने वाला है। और ऐसा ही कुछ इनोवेशन हम लोगों को पहले भी देखने को मिला था इनफिनिटी 10 प्रो डिवाइस में, जहाँ पे इनफिनिटी 10 प्रो में भी बैक पैनल कम्प्लीट ट्रांसपेरेंट था। तो मैक्सिमम चांस यही है इनफिनिक्स की न्यूली जो डिवाइस है कलर चेंजिंग वाला, ये इनफिनिक्स की GT सीरीज में आने वाला है। हाँ दोस्तों, GT सीरीज में ही ये इंडियन मार्केट में भी आएगा। और इनफिनिक्स की ये डिवाइस अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे है, तो इसकी सभी फीचर के बारे में अभी तक कुछ भी बताया नहीं गया है। तो फ्यूचर में इसके बारे में और भी डिटेल्स आएगा और भी वीडियो में बनाऊंगा, तो वो सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी तक की खबर से यही पता लग रहा है ये जो डिवाइस है ये GT 11 प्रो के नाम से आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इनफिनिक्स की GT 11 प्रो रिलेटेड और भी फ्यूचर में वीडियो आएगा, वो सब कुछ देखने के लिए।